नमस्कार, कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर के विजयनगर में आज कुमाऊं समाज के सामुदायिक भवन का प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने शिलान्यास किया है। यहां पर आगमन के तहत प्रतापगढ़ विधायक का भव्य स्वागत किया गया है और इनके आगमन पर यहां पर आतिशबाजी भी की गई। वही ढोल नगाड़ों की थाप के साथ यहां पर युवाओं ने वाहन रैली के साथ प्रतापगढ़ विधायक का स्वागत किया है। वही कुमाऊं समाज के सभी समाज के पदाधिकारी एवं यहां पर राष्ट्रीय कुमाऊं क्रांति सेना के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं और पूरी युवा टीम द्वारा प्रतापगढ़ विधायक का भव्य स्वागत किया गया है। यहां पर जैसे ही वाहन रैली के माध्यम से प्रतापगढ़ विधायक पहुंचे तो यहां पर विधायक जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और कुमाऊं समाज की तरफ से प्रतापगढ़ विधायक का सामुदायिक भवन शिलान्यास के दौरान पहुंचने पर यहां पर इनका आभार व्यक्त किया गया है और सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया गया है। यहां पर इस दौरान प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने यहां पर कुमाऊं समाज के जो भवन है उसका शिलान्यास किया है और उसके तहत यहां पर उसकी आधारशिला रखी है और यहां पर भूमि पूजन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने यहां पर ये सौगात दी है जिसके तहत यहां पहुंचे हैं और इनका भव्य स्वागत किया गया है और यहां पर कार्यकर्ताओं ने भी इस दौरान गर्मजोशी के साथ नारेबाजी की है। वहीं यहां पर मंच से भी विधायक मीणा ने संबोधित करते हुए कुमाऊं समाज का आभार व्यक्त किया और बताया कि वे सदैव कुमाऊं समाज के साथ खड़े हैं। यहां इस दौरान कुमाऊं समाज के जिलाध्यक्ष भवनलाल कुमाऊं सहित कुमाऊं समाज के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे और यहां पर समाज के सभी मुद्दवीर भी उपस्थित रहे और यहां पर समाजजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम का संपन्न किया गया है। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़। संजय था वो सपना आपके द्वारा आपके कर कमलों के द्वारा आज की अध्यक्षता कर रहे हैं कर पाए। भवर जी कुमार से पूछ दो, आप सब जब मेरे पास आए हो उनसे पूछ दो। आज गोपाल जी और मेरे रिश्तों को ये मखौल उड़ाते हैं, आप सबने देखा होगा टीवी पे व्हाट्सएप पे इन्होंने ऐसी ऐसी बातें चलाई जबकि मेरी उनसे कभी फोन पे तक बात नहीं होती है। पुरानी मित्रता थी, इसका मतलब ये थोड़ी है आप कुछ भी कह दोगे।
कार्यकारिणी को रुकवाना, विधायक रामलाल मीणा के हाथों खेल रहे ऐसे आरोप लगाना, ये गोपाल जी कुमावत का अपमान है, पूरे कुमावत समाज का अपमान है, आप सभी के सामने मैं कह रहा हूं। आज कोई भंवर जी कुमावत गोपाल जी के साथ नहीं बैठते हैं क्या? मैं नहीं कह सकता हूं कि ये गोपाल जी से मिले हुए, नहीं कह सकता क्या? लेकिन नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आप पे भी पूरा विश्वास है और मुझे आप पे भी पूरा विश्वास है। आपने साधारण से रामलाल मीणा को एक विधायक बना करके आपकी समस्याओं को समाधान के लिए जयपुर भेजा है, तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। जब तक मैं आपके यहाँ रहूंगा तब तक मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। आप सभी भाई साहब कह रहे थे अभी 8 घंटे का आ गया, अब ये दिल का दौरा पड़ता है, अब मेरा दिल मेरे पास तो है नहीं, मेरे कुछ हो गए, मेरा दिल तो सब में बटा हुआ है, बेटा यहाँ बड़ेगा होगा क्या, कुछ होने वाला नहीं है। 5 बार 3 बार अटैक के बाद लास्ट अटैक मानते हैं, 5 बार अटैक आने के बाद में भी आपके आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, रोगड़े हनुमान जी के आशीर्वाद से आज आपके बीच में हूं। भंवर जी आ जाओ, तो इसलिए आज मैं आप सभी, ये भंवर जी बैठे पीछे आगे दलोट वाले, इन्होंने दलोट समाज वालों ने कहा था, हमारे वहां में मीटिंग रखी थी और कहा था हमारे टीन सेट ये और ये पूरा शानदार हो जाना चाहिए। मैंने कहा चिंता ही मत करो, लगाए जाओ तुम तो, 10 लाख रुपए उस समय स्वीकृति जारी कर दी। इन्होंने कहा और कम पड़ेंगे, मैंने और कम पड़ेंगे तो और देंगे, आप चिंता मत करो। जिसने मेरे पर विश्वास किया है मैं उसको कहीं झोली फैलाने नहीं दूंगा, ये आप सभी के सामने विश्वास दिला रहा हूं साथी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, ये सुभाष कह रहा मेरे इतने सालों से सड़क नहीं हुई और मैं पंचायत सदस्य साहब, मेरी इज्जत लाज रख लेना, मैं चिंता मत कर, तो घोषणा कर दे वहां पे, अब सड़क का काम आपके चालू हो गया, सब जगह बसेरा के अंदर दैवत करारिया बांध का भी आपके कितने समय से मांग चल रही, बसेरा वालों को सबके बारे में हो जाएंगे। 65 करोड़ रुपए राजस्थान में एक बांध स्वीकृत हुआ, वो देवत करारिया के नाम से स्वीकृत हुआ, बाकी देवगुण प्रत्याभाव जी ये अगले उससे पहले वाले बजट में हो गए थे, चुना डैम वोका डैम 5-5 बांध का काम अपनों ने भी चालू किए हैं और भी इनको आगे बढ़ाने उनसे करने का काम अपन करेंगे। देवत करारिया के समाज के वरिष्ठ जन जो भी आज सभा में बता रहे हैं, युवा साथी और मेरे क्रांति सैनिक, सभी का स्वागत अभिनंदन और आज इस श्रेणी में आप पधारे इसके लिए आभार। विधायक महोदय